हेलो एंड वेलकम टू द सरदानेस अकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी हॉट टॉपिक ऑफ एनवायरनमेंट। एज वी ऑल नो दैट द कार्बन एमिशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड दिस कार्बन एमिशन इज क्रिएटिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड ड्यू टू दैट ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एंड इट इज इंक्रीजिंग rise in sea level, and due to that rise the coastal areas, the smaller islands are getting submerged, and they will getting submerged within 30 or 40 years. तो हम लोग आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल जकार्ता से शिफ्ट करके बोर्नियो कर दी है। और जकार्ता से बोर्नियो क्यों शिफ्ट की है, क्योंकि 2050 तक इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता पानी के अंदर होगी, इट वुड बी सबमर्ज्ड। और अगर पानी के अंदर कैपिटल आ जाएगी तो उसका इंडोनेशिया का एग्जिस्टेंस ही कहाँ रह जाएगा। तो इसी वजह से अभी 2023 में ही इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करके, जकार्ता से शिफ्ट करके बोर्नियो कर दिया है। तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, और इसी वजह से एक नया मेथड, एक नया सिस्टम इवॉल्व करना पड़ रहा है कंट्रीज़ को। वो ये है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन कंटेंट्स की कब्रगाह बना दी जाए, ज़मीन के अंदर दफना दिया जाए, तब वो एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग नहीं क्रिएट करेगा। और एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट नहीं कर पाएगा तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होगा, हर कंट्रीज़ को जो नेट ज़ीरो टारगेट दिया गया है अचीव करने के लिए, वो जल्दी अचीव हो जाएगा। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी है। तो देखिए, आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वर्ल्ड में डेनमार्क पहली ऐसी कंट्री बन गया है जिसने कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रेवयार्ड बनाए हैं, कब्रगाह बनाई है, सिमेट्री बनाई है। तो ये न्यूज़ है इंडियन एक्सप्रेस का। डेनमार्क द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड बरी इट अंडर सी। मतलब अब ये डेनमार्क जो है कॉमर्शियल वे में इसको डेवलप कर रहा है और इससे रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है। डेनमार्क क्या कर रहा है कि दूसरे कंट्रीज से कार्बन डाइऑक्साइड खरीद रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड को खरीद करके वो उसे ज़मीन के अंदर दफना रहा है। और इस तरीके से ये जो खरीद रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये एक्चुअली क्या है, खरीद नहीं रहा, ये दूसरे जो जिन कंट्रीज़ के पास एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसको डेनमार्क को बेच रहे हैं, और डेनमार्क इससे प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो हुआ ये है कि जो कंट्रीज़ जिनके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है वो डेनमार्क को दे रहे हैं, मतलब डेनमार्क को, और डेनमार्क इसके लिए पैसा ले रहा है, रेवेन्यू ले रहा है कि हम लोग इसका सेटलमेंट कर देंगे, लेकिन हमें इतना रुपया चाहिए, इतना मनी चाहिए। तो वो कंट्रीज़ दे रहे हैं मनी, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी दे रहे हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है डेनमार्क ठिकाने लगा रहा है, ज़मीन के अंदर दफना रहा है, कार्बन की कब्रगाह बना रहा है। तो ये पूरा सिस्टम डेवलप किया है डेनमार्क ने। डेनमार्क इनॉग्रेटेड अ प्रोजेक्ट टू स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड 1800 मीटर मीटर्स बीनीथ द नॉर्थ सी। नॉर्थ सी के अंदर 1800 मीटर नीचे, मतलब 1800 मीटर का मतलब हो गया 1.8 किलोमीटर्स,
ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर आप समझ सकते हो, 1.5 किलोमीटर से ज्यादा और 2 किलोमीटर से कम। तो 1800 मीटर नीचे नॉर्थ सी में बिकमिंग दी वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू बरी कार्बन डाइऑक्साइड इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। तो वर्ल्ड की पहली कंट्री बन गया है डेनमार्क जो कार्बन डाइऑक्साइड को जमीन के नीचे दफना करके, कब्रगाह बना करके 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड का डिस्पोजिशन कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फियर वार्म्स द प्लैनेट कॉजिंग क्लाइमेट चेंज। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ते हैं, ये हमारे प्लैनेट को गर्म करने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभा रहा है। कार्बन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग डेवलप हो रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव रेज्ड द एटमॉस्फियर्स कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बाय 50% इन लेस देन 200 ईयर्स। तो जो मानव एक्टिविटीज़ हैं, मानव क्रियाकलाप हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़, अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से अभी तक देखा जाए, ब्रिटेन में ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन डेवलप हुआ था और फिर धीरे धीरे पूरे यूरोप में ये एक्सपैंड हो गया। तो जब से ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन डेवलप हुआ और उसके बाद से लेकर के आज तक लगभग ये पूरा स्पैन 200 साल का है। तो इन 200 सालों में ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कार्बन का जो कंटेंट है एटमॉस्फियर में ये 50% बढ़ गया है और इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डेवलप कर रही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन होता है जिसकी वजह से कार्बन क्रेडिट्स बढ़ते हैं, तो ये कैसे होता है, ये कार्बन एमिशन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जनरेट कर रहे हैं। तो देखिए, कार्बन एमिशन, ये कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल कॉम्पोजिशन है, 2 ऑक्सीजन्स और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। ह्यूमन स्टार्टेड एमिटिंग कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ह्यूमन एक्टिविटी इंक्लूड्स बट नॉट लिमिटेड टू ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, कंट्रोल्ड नहीं है और रेगुलेटेड ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड का इन सेक्टर्स में हो रहा है। टुडे 30 बिलियन टन्स पर ईयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 84% इज रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटी। तो टोटल एनवायरमेंट में जितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड घुल रहा है, मान लीजिए 100% कार्बन डाइऑक्साइड घुलता है तो उसका 84% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी से, मैन मेड एक्टिविटी से आता है। और ये अमाउंट में 30 बिलियन टन्स है, 30 बिलियन टन्स पर ईयर कार्बन डाइऑक्साइड घुल रहा है एटमॉस्फियर में। कार्बन डाइऑक्साइड ड्राइव्स क्लाइमेट क्राइसिस एंड ऑल्सो अफेक्ट्स द ओशंस मेकिंग देम 30% मोर एसिडिक। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्लाइमेट क्राइसिस जनरेट कर रहा है और इस क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से ओशंस भी अछूते नहीं रह गए हैं और ओशंस का पानी जो है ये 30% ज़्यादा एसिडिक हो रहा है। तो इतना इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे डे टू डे लाइफ में और हमें धीरे धीरे इसके बारे में पता भी चल रहा है, एसिड रेन हो रहा है ग्रीन हाउस गैस एमिशन की वजह से और
ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रही है, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये सारे जो एडवर्स इम्पैक्ट हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जनरेट हो रहे हैं, और इसीलिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन रोकना होगा, कंट्रोल करना होगा, नहीं तो बहुत ही जल्द हमें इसके बहुत बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जैसे इंडोनेशिया ने इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी है, क्योंकि 2050 में उसकी कैपिटल अब डूबने वाली है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में मेन कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर्स हैं, अगर हम अर्बन सेटअप की बात करते हैं तो अर्बन सेटअप में कॉमर्शियल बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, इंडस्ट्री, ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन, ये मेन कंट्रीब्यूटिंग एरियाज है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के लिए। अर्बनाइजेशन विल कंटिन्यू इन फ्यूचर एंड दिस प्रोसेस विल इंक्रीज एमिशंस। तो अर्बनाइजेशन तो फ्यूचर में बढ़ने ही वाला है, और अर्बनाइजेशन के बढ़ने से इन सेक्टर्स में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन और तेजी से बढ़ेगा। अनलेस सिटीज टेक एक्शंस टू रिड्यूस एमिशंस थ्रू अर्बन प्लानिंग टेक्नोलॉजीज एंड बिहेवियरल चेंजेस। तो हमें अपने बिहेवियरल में चेंजेस करने होंगे, बिहेवियरल चेंजेस लाने होंगे, अर्बन प्लानिंग में टेक्नोलॉजी का यूज करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर फोकस करना होगा। ये सारे मैटर अगर हम जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं तभी हम इस कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन से होने वाले एडवर्स इम्पैक्ट से बच सकते हैं। जैसे रेजिडेंशियल यूज़ ऑफ एनर्जी में सोलर पावर प्लांट लगा करके उसे यूज़ करना होगा, ये मेट्रो और इस टाइप की एनर्जी सेविंग जिसमें पूल बना करके लोग बैठ करके ट्रांसपोर्टेशन को अवॉइड कर सकें, तो ये हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। साइकिलिंग डेवलप करनी चाहिए, ग्रीनरी डेवलप करनी चाहिए, तो इस टाइप से हमें कुछ अपने अर्बन प्लानिंग में टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को डेवलप करना है और बिहेवियरल चेंजेस लाने हैं, तभी हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं। और इसके अलावा दी एक्शंस सिटीज टेक विल फॉर्म अ की कंट्रीब्यूशन टू मीट ग्लोबल गोल्स ऑफ दी पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट। तो पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग सिटीज़ को इन सारे मेजर्स को अडॉप्ट करना होगा। तो ये क्या है पेरिस एग्रीमेंट जो क्लाइमेट चेंज पर हुआ, चलिए इसको भी हम लोग डिस्कस कर लें। तो पेरिस एग्रीमेंट वॉज अडॉप्टेड बाय 196 कंट्रीज एट दी यूएनएफसीसीसी। क्या होता है ये यूएनएफसीसीसी? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम करती है, ये एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लाइमेट चेंज को ही मेन टारगेट कर रही है, और इसी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड इस यूएनएफसीसीसी के मेंबर कंट्रीज हैं 196, और इन 196 मेंबर कंट्रीज ने पेरिस एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया हुआ है। ये पेरिस एग्रीमेंट अभी आपने देखा होगा, हमने डिस्कस किया था COP 27 पर, लास्ट ईयर 2022 में COP 27 हुआ था, और अब UAE में, इजिप्ट में, शर्मल शेख में COP 27 हुआ था, और अब 2023 में UAE में COP 28 ऑर्गेनाइज किया जाएगा। हम यहां पर बात कर रहे हैं COP 21 की। 2022 में
COP27 हुआ, इजिप्ट में शर्मल शेख में। अब 2023 में COP28 होने जा रहा है UAE में। ये बात है 2016 की, और उससे भी पहले 2015 में COP21 होता है। COP21 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मीटिंग होती है COP21 पेरिस में, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, December 12, 2015 में। और इस पेरिस के कन्वेंशन में एग्रीमेंट साइन किया जाता है जिसे पेरिस एग्रीमेंट कहा जाता है, और ये पेरिस एग्रीमेंट एक साल के बाद यानी कि 4 नवंबर 2016 को, 4th नवंबर 2016 को ऑल ओवर वर्ल्ड इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, एनेक्ट कर दिया जाता है। द एग्रीमेंट इंटेंड्स टू रिड्यूस एंड मिटिगेट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो इस पेरिस एग्रीमेंट का मेन मोटिव था कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस किया जाए, खत्म किया जाए, मिटिगेट किया जाए। तो बिफोर COP21 इन पेरिस, कंट्रीज वर आस्क्ड टू सबमिट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। तो जब पेरिस एग्रीमेंट नहीं हुआ था 2015 से पहले, तो उस टाइम हर कंट्री से ये कहा जाता था कि वो अपना कंट्रीब्यूशन दें कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने में, सबसाइड करने में। तो इसे कहा जाता था नेशनली डिटरमाइन कंट्रीब्यूशंस, NDC। देर वॉज अ मार्क्ड शिफ्ट इन द कमिटमेंट्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। इंडिया वॉज क्लब्ड इन द ग्रुप ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड इंडिया लिव्ड अप टू इट्स बिलिंग एज अ रेस्पॉन्सिबल नेशन इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। तो इंडिया ने भी 2015 के पेरिस एग्रीमेंट पर साइन किए, और इंडिया इसके एग्रीमेंट के जितने भी पार्ट हैं, जितने भी क्लॉजेज हैं, उन सबको कंप्लीटली फुलफिल कर रहा है और अचीव करने की कोशिश भी कर रहा है एज इन द कैटेगरी ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी एंड डेवलपिंग कंट्री। एक बात यहां कहनी बहुत जरूरी है कि जब ट्रंप का टेन्योर चल रहा था अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप का, उस टाइम 2017 में अमेरिका ने, मतलब USA ने, पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ करने का डिक्लेरेशन कर दिया था, और 4th नवंबर 2020 को विड्रॉ भी कर लिया। 4 नवंबर 2020 को पेरिस एग्रीमेंट से USA निकल गया। तो जब आप जान सकते हैं वर्ल्ड की सुपर पावर कंट्रीज अगर पेरिस एग्रीमेंट से निकलती हैं, तो जो छोटी मोटी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब वो भी धीरे धीरे साइडलाइन होना स्टार्ट होना शुरू करेंगे, लेकिन फिर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हुए 2021 में USA में, और USA में इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप की बुरी तरह से हार हुई, और जो बिडेन ने गवर्नमेंट फॉर्म की USA में, और गवर्नमेंट फॉर्म करते ही USA में उन्होंने सबसे पहला एक्शन ये लिया कि फिर से USA को पेरिस एग्रीमेंट का पार्ट बना दिया गया। तो ये एक मेन एस्पेक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड। तो यहां हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं डेनमार्क के ग्रेवयार्ड का। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को हमें कंट्रोल करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, तो हमें डिफरेंट मेजर्स अडॉप्ट करने ही करने पड़ेंगे। केवल पेरिस एग्रीमेंट के बिहाफ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब कर तो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग एफर्ट है, और पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें ये मेथड्स अडॉप्ट करने होंगे।
तो इसी वजह से डेनमार्क ने एक ऐसा मेथड अडॉप्ट किया है जिससे हम बहुत तेजी से और बहुत जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल कर सकते हैं, एमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो ये मेथड है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेवयार्ड, वेयर द कार्बन इज इंजेक्टेड टू प्रिवेंट फर्दर वार्मिंग ऑफ द एटमॉस्फियर इज ऑन द साइट ऑफ एन ओल्ड ऑयल फील्ड। तो ये जो मेथड है, इस मेथड के थ्रू डेनमार्क ने क्या किया है कि एक बहुत पुरानी ऑयल फील्ड थी जो अब बंद हो गई है डेनमार्क में, तो अब डेनमार्क ने दूसरे कंट्रीज़ के कार्बन डाइऑक्साइड को उस ऑयल फील्ड में नॉर्थ सी में 1800 मीटर नीचे दफनाना शुरू कर दिया है, इंजेक्ट करना शुरू कर दिया है। और इससे क्या होगा कि एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, ख़त्म होगी, और वहाँ जो बेकार ऑयल फील्ड पड़ी है उसका भी यूटिलाइजेशन हो पाएगा। लेड बाय ब्रिटिश केमिकल जायंट इनियोस एंड जर्मन ऑयल कंपनी विंटरशेल डी द ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट। तो इस डेनमार्क के कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेवयार्ड का प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट। ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट, ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू स्टोर अप टू 8 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर बाय 2030। 2030 तक इस ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट के द्वारा 8 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर इंजेक्ट किया जाएगा उस ऑयल फील्ड में 1800 मीटर जमीन के अंदर, जिसे 8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर एटमॉस्फेयर से कम होगा और उससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बहुत बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है। तो देखिए, ये है यूरोप का मैप, और इस यूरोप के मैप में यहाँ स्वीडन, नॉर्वे, और ये है डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल है कॉपेनहेगन, और ये यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे और डेनमार्क के बीच का जो वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी को कहा जाता है नॉर्थ सी। तो इस पार्ट में डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेवयार्ड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड सिमेट्री डेवलप करेगा। The North Sea is particularly suitable for this type of project as the region already has pipelines and potential storage sites after decades of oil and gas production. तो North Sea को ही क्यों choose किया गया carbon dioxide graveyard बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर pipelines बहुत ज़्यादा हैं और वो बहुत पुरानी डेकेड ओल्ड पाइपलाइंस हैं, तो उनका यूटिलाइजेशन हो सके, इस वजह से इस पार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेवयार्ड बनाने के लिए चूज किया गया है। डेनमार्क हैज अनवेल्ड अ प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का नाम है ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट। तो ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है डेनमार्क ने टू स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड 1800 मीटर बीनीथ द नॉर्थ सी, becoming the first country in the world to bury imported carbon dioxide from abroad. तो ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा है डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड को बरी करके, जो दूसरे कंट्रीज के कार्बन डाइ, देखिए जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बहुत कम है। नॉर्डिक कंट्रीज में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क भी कभी कभी उस पार्ट में होने की वजह से बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करता है, तो वहाँ रेवेन्यू जनरेशन के सोर्स के रूप में इसलिए इसे
देखा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को उन कंट्रीज से जहां पर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, जैसे चाइना है, इंडिया है, यूएसए है, ब्रिटेन है, वहां के कार्बन डाइऑक्साइड को पैसा लेकर के ठिकाने लगाने का काम डेनमार्क ने स्टार्ट किया है। द कार्बन डाइऑक्साइड सिमेट्री वेयर कार्बन इज इंजेक्टेड टू प्रिवेंट फर्दर वार्मिंग ऑफ एटमॉस्फियर इज ऑन द साइट ऑफ एन ओल्ड ऑयल फील्ड। द एक्सटेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाइल मेजर्ड इन मिलियंस ऑफ टन्स द क्वांटिटीज इज स्टोर्ड स्टिल रिमेन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ओवरऑल एमिशंस। ऑब्वियसली 8 मिलियन टन्स 2030 तक कर पाएंगे। अभी हम लोग मतलब अभी जो डेनमार्क ने इंट्रोड्यूस किया है बहुत ही कम पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का जो इंजेक्ट करना स्टार्ट किया है। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन एनवायरमेंट एजेंसी ईईए द मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन एमिटेड 3.7 बिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन 2020 अलोन। तो आज से 3 साल पहले यूरोपियन यूनियन ने केवल पूरे वर्ल्ड में नहीं केवल यूरोपियन यूनियन ने जो कार्बन एमिशन किया था ग्रीन हाउस गैस एमिशन किया था 2020 में वो 3.7 बिलियन टन्स था। तो अब बढ़कर के ये कितना हो गया होगा 4% या 4 बिलियन टन्स या 4.5 बिलियन टन्स तक हो गया होगा। और डेनमार्क ने जो इंजेक्ट करना कार्बन डाइऑक्साइड को स्टार्ट किया है ये इसके रेस्पेक्ट में बहुत 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 कम है। तो ये बढ़ाना होगा, इसे इंक्रीज करना होगा, जैसा कि टारगेट में रखा गया है कि 2030 तक 8 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड को पर ईयर रिड्यूस किया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा बीनीथ द अर्थ। तो ये पूरा सिस्टम होता क्या है, देखिए इम्पोर्टेड कार्बन डाइऑक्साइड है तो इस इम्पोर्टेड कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया और कैप्चर करके इस टाइप से कैप्चर करके फिर उसे स्टोर किया गया बीनीथ द अर्थ। ये सिस्टम कहलाता है CCS, इसे कहा जाता है कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टोर सिस्टम CCS। तो इसमें क्या होता है, देखिए यहां इंडस्ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड डिस्चार्ज कर रही हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टोरेज फैसिलिटी है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड स्टोरेज फैसिलिटी को ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू यहां ऑयल रैक में पहुंचाया गया ओशन में, और ऑयल रैक से इसे यहाँ पर बीनीथ द अर्थ नॉर्थ सी में 1800 मीटर नीचे स्टोर कर दिया गया। तो ये पूरा सिस्टम है, देखिए ये ड्रिलिंग पाइप्स हैं, इन इस ड्रिलिंग पाइप से सी में भी स्टोर कर सकते हैं और बीनीथ द अर्थ भी स्टोर कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये पूरा सिस्टम डेनमार्क ने जनरेट किया है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेवयार्ड या कार्बन डाइऑक्साइड सिमेट्री कहा जा रहा है, और इस प्रोजेक्ट का नाम है ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट। ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट, दिस इंफ्रास्ट्रक्चर विल फैसिलिटेट ईच एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर टू सप्लाई दैट कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड टू दिस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सेफ मैनेजमेंट ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। CCS इज वन वे टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस। तो यहां अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो CCS था। CCS का मतलब होता है कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टोर। तो ये जो CCS है ये कैप्चर किया गया कार्बन डाइऑक्साइड को और जमीन के अंदर स्टोर कर दिया गया या पानी में 1800 मीटर नीचे स्टोर कर दिया गया। लेकिन केवल यही एक मेथड नहीं है, CCS ही केवल एक मेथड नहीं है,
कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्पोज करने का। इसके अलावा भी और मेथड है जिसे कहा गया है, दिस कुड प्रूव इंपॉर्टेंट टू हेल्प कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग, इट इज अ 3-step प्रोसेस। तो ये ग्लोबल वार्मिंग में तो हेल्प करता ही है, ग्लोबल वार्मिंग में हेल्प करने के अलावा इसमें CCS सिस्टम में 3 steps होते हैं। ये 3 steps हैं, पहला कैप्चरिंग कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय पावर जनरेशन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। तो जो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं या जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन होता है, उसको कैप्चर किया जाए, कैप्चर करने के बाद फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाए। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है जैसे यहाँ ये कैप्चर किया, ये कार्बन डाइऑक्साइड डिस्चार्ज हो रहा है इंडस्ट्रीज में, फिर इसको यहाँ पर कैप्चर किया, कैप्चर करके उसका ट्रांसपोर्टेशन किया और फिर ऑयल सीक्वेस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म में यहाँ पर ला करके इनको दे दिया और फिर ये उसका स्टोरेज करेंगे। तो ये ट्रांसपोर्ट किया और उसके बाद स्टोर इट डीप इनसाइड द ग्राउंड। तो ये 3-step प्रोसेस है, इसे CCS कहा जाता है, कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टोर। लेकिन इसके अलावा भी एक मेथड हो सकता है और वो मेथड है CCUS। इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। तो कार्बन को कैप्चर करके उसका यूटिलाइजेशन करा जाएगा और यूटिलाइजेशन करके फिर उसको स्टोर किया जाएगा। तो ये है CCUS। इन दिस मेथड इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग कार्बन इट कैन बी रीयूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो ये सिस्टम बहुत ही जल्द डेवलप होने जा रहा है, अभी फिलहाल जो सिस्टम चल रहा है वो CCS है। तो CCS सिस्टम के थ्रू अभी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेवयार्ड्स और सीमेट्रीज बनाए जा रहे हैं, नियर फ्यूचर इसे CCUS में कन्वर्ट किया जाएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा डेनमार्क के बारे में कुछ फास्ट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो जैसे नॉर्वे, स्वीडन ये कंट्रीज हैं, तो उन्हीं के पास में ये डेनमार्क है। ऑफिशियल नेम इसका किंगडम ऑफ डेनमार्क है, यहां पर मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है यहां पर। यहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी नहीं है, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जैसे कि ऑलमोस्ट ब्रिटिश या ऑलमोस्ट यूरोपियन कंट्रीज में होती है, जैसे ब्रिटेन में है, इटली में है, पोर्चुगल में है, स्पेन में है, तो वैसे ही डेनमार्क में है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कैपिटल है इसकी कॉपनहेगन। प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के मैट फ्रेडरिक्सन। पॉपुलेशन है 58,09,502। ऑफिशियल लैंग्वेज डैनिश है, डेनमार्क की डैनिश है। करेंसी क्रोन है और इसका टोटल स्क्वायर किलोमीटर एरिया है 43,094 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये तो केवल इस टेरिटरी का एरिया है। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड आइलैंड है यहाँ नॉर्वे के पास इस साइड में, तो यहाँ पर ग्रीनलैंड आइलैंड को कैप्चर किया हुआ है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड है ये, ऑलमोस्ट श्रीलंका से भी श्रीलंका कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा आइलैंड है। तो वो टेरिटरी इसमें अभी इंक्लूडेड नहीं है, ये केवल यहाँ की टेरिटरी है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया डेनमार्क के बारे में। डेनमार्क ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्पोज करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा और उससे नेट ज़ीरो टारगेट अचीव करना भी बहुत जल्दी ही हो सकेगा और कार्बन रिडक्शन में, कार्बन मिटिगेशन में हेल्प मिलेगी। तो ये है ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट, जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को अर्थ के नीचे इंजेक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड की कब्रगाह बना दी जाती है।
तो आज इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।